मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वेबिनार में भाग लिया है और कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें तो आई जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। अब प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है, साथ ही नए मामले भी रोज कम हो रहे हैं। जहां प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 16,000 तक थी, अब लगभग 35,000 हो गई है घटकर। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस महामारी पर काबू पा लेंगे। ब्लैक फंगस, सांस की बीमारी, फेफड़ों की अन्य बीमारी आदि अन्य पोस्ट कोविड इफेक्ट की दृष्टिगत भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से जिस प्रकार की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उसमें बच्चों पर ज्यादा असर होगा, तो बता दें कि उसकी दृष्टिगत हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए बच्चों के वार्ड और जरूरी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। सीएससी में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है, साथ ही डॉक्टरों की भी व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति 15 दिन पहले थी अब वो नहीं है। कुछ गांवों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का विरोध हुआ है, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 60,000 से 70,000 टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले केवल राजनीति कर रहे हैं, लॉकडाउन जनता के हित में ही लगाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने और क्या क्या कहा। मैं तो विपक्ष से यही अपेक्षा करूंगा कि डर का वातावरण वो ना बनने दें। अगर कोई सहयोग कर सकते हैं तो स्वागत है। ऐसे मामले में हमको अपनी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके एक होकर के, हमारा कॉमन दुश्मन है वो महामारी यानी कोरोना है, तो इस कॉमन जो हमारा दुश्मन है उसके साथ हम सबको मिलकर के लड़ना है। ये जो लोगों को डराने का काम है इसको ना करें, एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं, तो उस नाते से निश्चित रूप से जनता का डर उतरेगा। जनता को एक विश्वास, एक उत्साह ये बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन के टीके तो आखिर कंपनियों ने बनाने हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उनको और तेज़ करने के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है। हमने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया ताकि कोई भी कोरोना से जुड़ा हुआ कोई इम्प्लीमेंट बनाना है, कोई दवाई बनानी है, कोई आवश्यकता अगर किसी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है, तो उस 500 करोड़ रुपए में से एक साल का इंटरेस्ट भी हमने छोड़ा कि उसमें से तुरंत आकर के लोन ले सकते हैं। कुछ लोग आए भी हैं, कईयों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं उसमें से उन्होंने लोन लिया है। तो ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर और इसमें सहयोग कितना करें, विपक्ष इसमें कैसे सहयोगी बन सकता है। आज भी मैं ओपन आपके माध्यम से ऑफर देता हूँ कि इस समय भी अगर वो राजनीति करना छोड़कर अगर ओपन एक सहयोग की भावना से आते हैं तो हमको बुलाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भय का वातावरण छोड़ दें, राजनीति करना छोड़ दें, तभी उसमें उपयोग होगा। जो थर्ड वेव की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि जो नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों को प्रभावित होने के बाद पेडियाट्रिक्स वार्ड उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज ही हमारी जितने भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत क्षेत्रों के अंदर दो दो तीन तीन कमरे की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, सामान्य उसमें व्यवस्थाएं हैं। अब उस जगह पर और व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, चाहे उसमें और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, पेडियाट्रिक्स के नाते से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके डॉक्टर्स इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।